बहुत सी यहाँ पे सरकारी होती हैं, बेटियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं उनको, या तो वो उनकी रिश्तेदारी या भाईचारा या कोई करीबी है उनके। तो यहाँ की मैडम है जो यहाँ का स्टाफ है वो बार बार बेटियों को ये कह रहा है कि आपको चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़ेंगे। सकी सहेली की बेटियों की इज्जत सरेआम तार तार हो रही है, आपके गाँव में आ रही है, आप उसका बहिष्कार कीजिए। उचैना कस्बे के एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा छात्राओं के साथ गलत करने का मामला आया है। ये पिछले कई दिनों से आप खबरें देख रहे हैं, लेकिन कल इस मामले में एक नया मोड़ आया है। कल जो उच्चतर शिक्षा विभाग की टीम थी, जो उनकी निदेशक थी, उन्होंने 6 घंटे तक छात्राओं से पूछताछ की है। उनके परिजनों को भी बुलाया गया था, और इसी बीच जो उचैना का धरना चल रहा है वहाँ से आज बड़ा खुलासा किया जाएगा, क्योंकि इसमें एक अध्यापिका और एक ऐसा अध्यापक जो इस स्कूल से ट्रांसफ़र होकर दूसरे स्कूल में जा चुका था, लेकिन इस बीच वो बीच बीच में इस स्कूल में भी आता रहा, तो उसके क्या संबंध इस घटना से है, प्रिंसिपल से है या छात्राओं के साथ हुए इस दुराचार से है, तो उसी को जानने के लिए आज हमारी टीम उचैना तहसील कार्यालय में पहुंची है, जहां बड़ा खुलासा इस मामले को लेकर एक बार फिर किया जाएगा। दाड़न खाप के जो प्रधान है सूरजभान, उन्होंने कहा था कि इस मामले में कोई महिला आरोपी नहीं है, उन्हें आरोपी नहीं माना जाए, लेकिन कल की जो जाँच हुई है उसमें महिला पर भी जो है शक की सुई घूम गई है, और महिला के साथ साथ जो महिला अध्यापक है एक अन्य, तो इस मामले पूरी बात करेंगे कि क्या उनका ये बयान जायज है और इस बयान की क्या प्रतिक्रिया दी जाती है और आगे की क्या रणनीति है छात्राओं को न्याय दिलाने की मांग को लेकर। इसके अंदर तथ्य ये आए हैं कि 6 घंटे तक जांच रही और उसमें एक महिला मित्र का भी नाम आया लेक्चरर का, और एक जेंट्स का जिसकी यहाँ से बदली तो होगी, ट्रांसफर हो गई थी, पर वो अभी तक भी यहाँ आता जाता रहा। और इसके अलावा बहुत से ऐसे हैं कि जैसे जो बच्चियां हैं उनके परिवार की जो महिलाएं बुलाई गई थी उनसे भी, उनकी जो यहां अधिकारी आए थे जांच अधिकारी उनके साथ भी बहुत से ऐसे खुलासे हुए हैं, और 4 बेटियां और नई आई हैं जिन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया कि हाँ यहां एक जो हमारा लेक्चरर है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मीडिया के सामने तो हम नहीं कह सकते, पर वो जो जांच का विषय था वो कहीं ना कहीं पूरा हो पाया। और जो लोग ये कहते थे कि ये सिर्फ एक राजनीतिकरण हो रहा है और इसके अंदर किसी स्थानीय नेता का नाम नहीं है, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं कल स्पष्ट और क्लियर होने में जो स्थिति थी वो क्लियर हो पाई है। तो दाटू साहब के प्रधान है, उन्होंने कहा था कि महिला का नाम आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ऐसे उनका नाम नहीं आना चाहिए और ना उनको बदनाम करें, लेकिन इस जाँच में उनका वहाँ पर भी उंगलियाँ उठाई गई। देखो, वो महिला हो या पुरुष हो, यदि बात अन्याय की है उसके अंदर ना महिला के लिए कोई, मैं तो ये मानती हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, किसी महिला को ना छोड़ा जाए, ना किसी पुरुष को ना छोड़ा जाए। रही बात धड़न खाप के जो हमारे प्रधान जी हैं, उनसे जल्दी ही हम एक बड़ी महापंचायत बुलाने के काम करेंगे, और उस पंचायत के अंदर जवाबदेही हम मांगेंगे कि जो बयान उन्होंने कहा है कि खाप का बयान है, पर जो खाप के अन्य अधिकारी हैं उनसे हमने कल बात की थी फ़ोन पे, उन्होंने कहा हमें इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं है, मीटिंग हुई थी पर हमारी नॉलेज में इस तरह की कोई बात नहीं है, ये एक सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का बयान है, ना कि पूरी खाप का। यदि खाप का बयान होगा तो ये हमारे लिए बिल्कुल शर्म की और बेइज्जती की बात है, क्योंकि बात बेटियों की है और सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित हैं तो इसी खाप की बेटियां हैं। दूसरी बात, यदि ऐसा कोई बयान खाप देती है तो इसको हम ये कह सकते हैं कि सरकारी खाप है, क्योंकि एक बार आप लोगों को पहले भी पता था जब खापों के ऊपर कोई मामला चल रहा था तो मेरा एक बयान आया था कि बहुत सी खापें सरकारी होती हैं, तो उस टाइम बहुत से खाप चौधरियों ने मेरे को टारगेट किया था कि आप गलत बोल रहे हैं। तो आज हालात देख लो कि सरकारी खापें कैसी होती हैं, जबकि नीचे धरातल पे लोगों को पता ही नहीं होता और खाप की तरफ से बयान जारी कर दिया जाता है किसी विशेष आदमी के दबाव के कारण, जिसका नुकसान पूरी खाप को होगा, समाज को होगा। जो इस इलाके के लोग हैं वो आज सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि खाप ऐसा बेतुका बयान दे। दाड़न खाप के प्रधान ने कहा है कि आप लोगों के पास और कोई मुद्दा नहीं है, तो इन लड़कियों के नाम पर आप राजनीतिक जो जगह है वो तलाश रहे हैं। देखो, राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, यदि बहन बेटियों के ऊपर भी यदि हम राजनीति करेंगे ऐसी राजनीति की हमें ज़रूरत नहीं। यदि बेटियों की आवाज़ उठाना राजनीति है तो ये राजनीति हम ताउम्र करते रहेंगे, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मैं उन बेटियों को करीब से पूछ पा रही हूँ, बता पा रही हूँ और उनका दर्द करीब से महसूस कर पा रही हूँ, और ये कोई आज नया मुद्दा नहीं है। लगातार 3.5 साल के अंदर चाहे नू कांड हो, मेवात कांड हो, महिला जो हमारी संदीप चौधरी के द्वारा जो अत्याचार किया गया शिक्षा डागर पर उसकी बात हो, चाहे हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी हो, हमने हर मुद्दे पर आवाज़ उठाई।
साथ के साथ जो दिल्ली से हमारा जो संयुक्त मोर्चा मजदूर संयुक्त मोर्चा है काम कर रहा है, उसके ऊपर भी हम MSP की जो लड़ाई है, जो मुआवजे की लड़ाई है, किसी भी तरह की कोई लड़ाई है, लगातार 15 दिन हम दुष्यंत के दरवाजे बैठे रहे मुआवजे के लिए पूरे हरियाणा की पंचायतें, यहाँ से हर उस चीज़ के बारे में हम आवाज़ उठा रहे हैं जिसको हमें ये लगता है कि न्याय की ज़रूरत है और हमें इसके ऊपर बोलना चाहिए। तो हमने इस बारे में हर एक मुद्दा, हमने ये नहीं देखा ये हमारा आधिकारिक क्षेत्र है कि नहीं है, हम लगातार हर मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हर मुद्दे पे बोलने का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर जो बेटियां का, जो 60 बेटियों का जो ये अत्याचार कांड, या मतलब ये कह सकते हैं कि उचाणा का ब्रजभूषण, इसको हम कह सकते हैं जो उचाणा का ब्रजभूषण है, यदि हम इसके ऊपर नहीं बोलेंगे, यदि हम नहीं बोलते तो उसका गलत डिफेक्ट भी करते ये लोग कहते कि ये हर मुद्दे पे बोलते हैं, आज ये बेटियों के मुद्दे पे बिल्कुल नहीं बोल रहे, और यदि बोलते हैं तो कहते हैं राजनीति करते हैं, राजनीतिकरण के लिए ऐसी घटिया सोच हमारी नहीं है, और यदि राजनीति करेंगे वो आने वाले टाइम की बात होगी, अभी राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम राजनीतिक पार्टियों से बहुत दूर हैं और बेटियों का सहारा लेके राजनीति करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हमने समाज के लिए काम किया होगा तो समाज हमारा साथ देगा, पर हम कभी भी ओछी और घटिया राजनीति ना की और ना करेंगे, और हम चाहते हैं कि जो खाप चौधरी है हमारा धारण खाप का, वो इस चीज़ को, स्थिति को क्लियर करे कि ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया कि हमें पूरे भारत, पूरे समाज, पूरे हरियाणा में शर्मिंदा होना पड़ रहा है, और इस बात में पूरा भारत जानता है, पूरा हरियाणा जानता है, पूरा उचाणा जानता है कि इस मामले को बाकायदा प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, बेटियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि उसके घर पे जहाँ से भी दबाव बनता है दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इसमें बहुत लेट लतीफी हुई है, इसमें शिक्षा विभाग भी, और ये सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है, पूरे उचाणा को दिखाई दे रहा है, इस पर ऐसा बयान देना अपने आप को मतलब एक छोटा इंसान साबित करने वाली बात है। आपको नहीं लगता, पहले उन्होंने बयान दिया था कि कोई महिला अध्यापक इसमें शामिल नहीं है, लेकिन कल की जो जांच हुई उसमें उंगली उठाई गई है, तो अब भी उन्हें बयान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए जी, जब उनको या तो वो उनकी रिश्तेदारी या भाईचारा या कोई करीबी है उनके, क्योंकि उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, और बचाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस जो भी ये प्रकरण है इसको हम चाहेंगे कि आखिरी चाहे सारे टूट जाएं, यदि एक भी बेटी बचती है तो उसकी भी आवाज़ को हम कोर्ट तक और न्याय तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पर जो हालात आज हैं हमें नहीं लगता कि इस मामले में न्याय मिलेगा, क्योंकि हर एक महकमे को अपनी साख बचाने की, यहाँ तक कि हरियाणा सरकार को अपनी साख बचाने की, यहाँ के जो दो दिग्गज हैं उनको अपनी साख बचाने के चक्कर में इन बेटियों की कुर्बानियाँ ली जा रही हैं अंदर खाते। तो बार बार जो छात्राओं से पूछताछ की जाती है, कहीं ना कहीं अगर बार बार ये चीज़ दोहराई गई तो वो छात्राएं भी अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, तो वो इस मामले से निकलने का भी प्रयास करेंगे। बिल्कुल जी, जो यहाँ की मैडम है, जो यहाँ का स्टाफ है, वो बार बार बेटियों को ये कह रहा है कि आपको चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़ेंगे और इससे आपका कुछ नहीं होना, आपकी शादी बढ़िया घरों में नहीं होगी। एक मतलब बच्चों का जो दिमाग है उसको दूसरी दिशा में बदलने का काम किया जा रहा है। हमने सबसे पहले एक बात कही थी SP और DC से मिले कि 6ठी से 12वीं तक का स्टाफ बदल दिया जाए, पर आज तक स्टाफ नहीं बदला गया, तो यहाँ भी कोई ना कोई हमें समस्या नज़र आ रही है। एक ICC का एक कमेटी होती है स्कूल में, वो भी नहीं है यहाँ, तो यहाँ बहुत सी त्रुटियाँ हैं। जो शिक्षा अधिकारी है 20-25 दिन तक उस लेटर को जो बाकायदा एक महिला आयोग से जारी किया गया था उसको अपने बैग में लेकर घूमती रही, ये भी एक संवेदनशील मामला है। मैं ये मानती हूँ जो भी जिसकी कमी की वजह से ये केस लेट हुआ या इसकी इंक्वायरी लेट हुई, जो ये बहुत से सबूत है, जो मास्टर ये जो प्रिंसिपल है मतलब मिटाने में कामयाब हुआ, इसको मौका दिया गया, इसके दौरान जो भी आरोपी है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे कोई MP MLA हो या कोई मुख्यमंत्री हो, उसको भी इस केस के अंदर आरोपी बनाया जाए, आरोपी बनाकर उसको अंदर लिया जाए। सिर्फ एक करतार सिंह दोषी नहीं है, बहुत लोग दोषी हैं, हमारे बार बार कहने के बावजूद भी किसी के ऊपर ना इंक्वायरी की जा रही, सिर्फ पूछताछ की जा रही है, उनको अंदर नहीं लिया गया। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि उन बेटियों पर दबाव वही लोग बना रहे हैं जिनको लगता कि हमारा नाम आएगा और हमारा नाम आने के कारण हम भी अंदर जा सकते हैं, वो उन बेटियों को खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं फिलहाल। तो
मैं ये चाहती हूँ कि बहुत जल्दी जिसको हम फास्ट ट्रैक बोलते हैं फास्ट ट्रैक तरीके से इंसाफ दिया जाए और इन बेटियों को बार बार जो ये प्रक्रिया है ना पूछताछ की प्रक्रिया, इस पूछताछ की प्रक्रिया को आप एक ही बार में पूरा कीजिए, क्योंकि ये बार बार से बेटियों के बयान, दिमागी डिप्रेशन भी होता है, पारिवारिक डिप्रेशन भी होता है, बेटियों को प्रेशराइज मत कीजिए। और जो ये शिक्षा अधिकारी हैं इनका लगातार प्रेशर बेटियों के ऊपर है। मैं दोबारा से कहती हूँ कि पहली बात ये है कि स्टाफ को बदला जाए, दूसरे जो भी आरोपी हैं उनको अंदर रखा जाए, बीओ और डीओ की जो जिम्मेवारी थी उन्होंने पूरी नहीं की, उनको भी आरोपी माना जाए। इस अनुसार जिस थाने या जिस एसपीडीसी जिसको भी ये लेटर जारी किया गया था सरकार विभाग की तरफ से, जिसकी जिम्मेवारी थी उसको भी अंदर किया जाए, ताकि पता चले किसकी दबाव की वजह से ये केस लेट किया गया, क्यों आरोपी को मौका दिया गया कि वो अपने जो भी जरूरी काम था यानी जो उसने जुर्म किया था उसके सबूत मिटाने का टाइम दिया गया, उसके अंदर जो भी दोषी है उसको पकड़ के अंदर जब तक नहीं किया जाएगा, उसके बयान नहीं लिए जाएंगे, तब तक ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। जितना टाइम ये स्टाफ बाहर रहेगा इतना ही नुकसान बेटियों को होगा। बिल्कुल हो सकती थी जी, पर एक कहता है मेरा कर्म क्षेत्र है, एक कहता है मेरा जन्म क्षेत्र है, पर दोनों में से किसी के बयान नहीं आए। आज एक मैंने एक नई वो देखी थी क्लिप कि 19 जो हमारे आने वाली 19 है, इस 19 तारीख को छात्र के अंदर हमारी आदरणीय दादी जी प्रेमलता एक सखी सहेली प्रोग्राम कर रही है, पर सखी सहेली की बेटियों की इज्जत सरेआम तार तार हो रही है, उसके ऊपर एक बयान जारी करना उन्होंने अच्छा नहीं समझा या अपनी इमेज के खिलाफ समझा, पर वोटों की 2024 की तैयारी वो आज भी कर रही है। सोचने की बात है, सखी सहेली उसके अंदर एक लिखा है आओ बदलाव की ओर, कौन सा बदलाव चाहती है? उचाना के अंदर इतना बड़ा एक जघन्य कांड हुआ है, उसके ऊपर कोई भी यहाँ का दिग्गज नेता बोल नहीं रहा, इसके लिए हमें कहीं शक है कि इसके ऊपर सरकारी तंत्र है इस मामले को दबाना चाहता है। जो यहाँ के दो घराने हैं वो चाहते हैं 2024 में कहीं इस मामले को यदि तूल दिया गया तो तुम्हारी सीटें यहाँ से निकल ना पाए, इसलिए भी इस मामले को दबाया जा रहा है। और सरकार भी अपनी किरकिरी से बचने के लिए इस मामले को रोहतक जो रैन बसेरे के अंदर एक मामला हुआ था उसी तरह इसको दबाने का काम कर रही है। तो कल जो छात्र गांव में आपने बताया कि सभी सही कर रहे हैं, 19 महिलाओं की जिम्मेवारी बनती है जी इस मामले में आवाज उठाएं। देखो मेरा तो यही कहना है, मैं आपके मीडिया चैनल के थ्रू एक बात कहना चाहती हूँ भी छात्रवासियों, आपका हक है, आपके गाँव में आ रही है, आप उसका बहिष्कार कीजिए, क्योंकि जब तक इन लोगों का बहिष्कार नहीं होगा, ये आपकी बेटियों की इज्जत को यदि इज्जत नहीं समझते तो मैं नहीं चाहती कि छत्तर गांव के जो लोग हैं उनके अंदर जाएं, क्योंकि बेटियां छत्तर की भी हैं, आसपास के इलाके की भी हैं, पूरे हिंदुस्तान की यानी ये उचाना की बेटियां, पूरे छत्तर गांव की भी बेटियां, उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इस प्रोग्राम का पूर्ण रूप से बहिष्कार करे, चाहे कोई भी हो जिन लोगों ने बयान जारी नहीं किया और यहां से वोट लेके लगातार इस क्षेत्र का शोषण किया है, उन लोगों का हक बनता है कि अब इन लोगों को चाय पानी पिलाने की बजाय इनसे सवाल करना शुरू करें कि आपका क्या रुख था, तीन काले कानूनों पे आपका क्या रुख था आप नहीं बोले, नू के ऊपर क्या रुख था आप नहीं बोले, मेवात के ऊपर आपका क्या रुख था आप नहीं बोले, शिक्षा डागर के ऊपर आपका क्या रुख था आप नहीं बोले, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी थे उसके ऊपर आप नहीं बोले, हम चुप रहे पर मामला बहुचाना का है, यदि आप आज नहीं बोल रहे तो हम आपका बायकॉट करते हैं और आपका पूर्ण रूप से बहिष्कार रहेगा।